यहाँ पर उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हिंदी है ही ऐसी, बहुतों को कवि बना देती है। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारी दिल की जो बातें होती हैं, वो हम आसानी से कविता के माध्यम से कर देते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई लवर जो है ना अप्रैल फूल के दिन प्रपोज करता है, पटी तो पटी नहीं तो अप्रैल। उसी प्रकार से कवि होते हैं, अपने मन की बातों को जो है ना वो उसी तरह से निकाल देते हैं कि आसानी से जो है बात समझ में आ जाए। इसी तरह से एक कविता पाठ चल रहा था, ये तो यहाँ की बात हुई, जंगल में कविता पाठ चल रहा था और वहां पे क्या हो रहा था उसको बताती हूँ, ठीक है ना? क्योंकि कवि तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, कवि हो ही जाता है। तो जंगल में भी इसी प्रकार की कविता पाठ का था शोर, जंगल में भी इसी प्रकार से कविता पाठ का था शोर। मौका पा पाकर सब जानवर एक दूसरे को कर रहे थे प्रपोज। मौका पा पाकर सभी जानवर एक दूसरे को कर रहे थे प्रपोज। इसी श्रृंखला में चूहे ने किया शेरनी को, इसी श्रृंखला में चूहे ने किया शेरनी को प्रपोज। जैसे तैसे हाथ में पकड़ा दिया रेड रोज, जैसे तैसे हाथ में पकड़ा दिया रेड रोज। शेरनी बोली चल हट, शेरनी बोली चल हट, जाकर अपनी सूरत आईने में देख। शेरनी बोली चल हट, जाकर अपनी सूरत आईने में देख। चूहा बोला सूरत पर मत जा पगली, हिम्मत तो दे। मेरी यही विनती है सभी हिंदी प्रेमियों से, विनती नहीं मेरी कामनाएं हैं। यहाँ पे बैठे सभी हिंदी प्रेमियों के लिए मेरी कामनाएं हैं कि आपकी खुशियां महंगाई की तरफ बढ़ती रहे, आपकी खुशियां महंगाई की तरफ बढ़ती रहे और आपकी लोकप्रियता आतंकवाद की तरफ फैलती रहे। आपके पासबुक में आंकड़ों की संख्या जैसे भारत की जनसंख्या। और आपके सारे गम केजरीवाल की आवाज की तरह हो जाए खत्म। और मैं यहाँ कामना करती हूँ, यहाँ तो बहुत सारी मेरी कवित्री फ्रेंड भी बैठी हुई हैं और बहुत सारे कवि लोग भी हैं, तो जो किसी भी पुरुष में एक उम्मीद करती है कि जैसा होना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि हर पति वैसा ही हो। क्योंकि हर औरत चाहती है कि उसका पति इरादों में सरदार पटेल होना चाहिए। हर औरत चाहती है कि उसका पति इरादों में सरदार पटेल होना चाहिए पर हरकतों में महात्मा गांधी। हिम्मत चंद्रशेखर आजाद की साहस भगत सिंह का, हिम्मत चंद्रशेखर आजाद की साहस भगत सिंह का, पर आदेश सुनने की आदत मनमोहन सिंह वाली। देखिए ये तो बातें नहीं, एक बहुत मजेदार बात आप लोग को बताती हूँ, बताऊं? जरूर। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गई थी छत्तीसगढ़ में, वहां गई थी तो वहां पे जाके थोड़ा मैं विशाखापट्टनम में आ गई हूँ, रहन सहन का स्तर तो निश्चित रूप से मेरा ऊंचा हो गया है। तो वहां पे जब मैं गई तो मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया लट्ठो लेकर। लट्ठो मालूम है ना? हाँ, लट्ठो एक मिठाई होती है, बचपन में मैं बहुत खाती थी। लट्ठी को बोलते हैं, लट्ठा बोलते हैं, गुड़ गुड़ लगा, मुझे बहुत पसंद था बचपन में, अभी भी पसंद है, लेकिन सो नहीं कर पाती क्योंकि वो देहाती मिठाई, ठीक है ना? स्टैंडर्ड बढ़ गया, ठीक है, उसी के ऊपर है। जब मैं गई तो मेरा दोस्त लट्ठू लेके आया, तो मैं बोली कैसे हो तुम लोग, अभी तक तुम लोग देहाती ही रह गए। कुछ बुके लेके आना था, फ्लावर लेके आना था, देखिए कितना अच्छा स्वागत होता है, अच्छा लगता है ना? तो मैं बोली ऐसा आना चाहिए था, तुम लोग देहाती रह गए। और देहाती शब्द जो ऐसा है ना कि किसी को कुछ भी कर लो, देहाती कहने मात्र से बिल्कुल चिड़ जाता है। वो मुझसे कहता है लुच्चा लफंगा बदमाश कुछ भी कर मगर, लुच्चा लफंगा बदमाश कुछ भी कर मगर देहाती कह के मत हंसो। मेरा गांव अब बन गया है शहर,
बोले अच्छा शहर बन गया, बोला हाँ मेरा गांव बन गया है शहर। वो कहता है रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगी लड़कियां अब यहाँ भी स्कूटी में लहराती हैं। तू जैसे पहले तेल लगाकर दो चोटी बांधती थी ना, कोई नहीं बनाती है। रंग बिरंगी तितलियां स्कूटी में लहराती है, अब तेल लगा के दो चोटी कोई नहीं बनाती है। अगल वाली बगल वाली भौजी चाची पड़ोसन अड़ोसन सब हो गए हैं अप टू डेट, जींस लेगिंग प्लाजो हाथ में मोबाइल रख के रहते हैं अपने आप को अप टू डेट। अब यहाँ पे भी लेडीज ब्यूटी पार्लर के साथ साथ मेंस ब्यूटी पार्लर भी खुल गए हैं। हम भी नियम से वहाँ जाते हैं और सब कुछ करवाते हैं। पहले जैसे शक्तिशाली बलवान बनने की चाहत नहीं, अब चॉकलेटी हीरो बन कर आते। पहले जैसे मूछ वाला बलवान शक्तिशाली ताकतवर मर्द बनने की चाहत नहीं, अब मूछ मुड़वा के चॉकलेटी हीरो बन गया। वो कहता है आप जो है हमारे गांव में फ्रेंडशिप डे वैलेंटाइन डे मनाने लगे, अब हमारे गांव में भी फ्रेंडशिप डे वैलेंटाइन डे मनाने लगे हैं। और वैलेंटाइन डे के दिन, अब वैलेंटाइन डे के दिन हम भी करते हैं प्रपोज, वैलेंटाइन डे के दिन हम भी करते हैं प्रपोज। सच कहता हूँ दीपा बहुत याद आती हो उस रोज। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, ये तो क्या कर रहे हो, दिल की बात दिल में रखी थोड़ा भी ना किया हंगामा और आज बता रहे हो जब मेरे बच्चे तुम्हें कर रहे हैं मामा। फिर वो बोलता क्या करता, दिल ही दिल में चाहता था तुझ पर मरता था पर तेरे भाई के जूते से भी बहुत। फिर मैं बोली कोई पटी की नहीं पटी अब तक तुमसे, देहाती ही हो पटी नहीं होगी, पटी की नहीं पटी। तो बोलता है हंसती थी मुस्काती थी, पता नहीं क्यों मुझे लगता था बार बार मुझे पास भी बुलाती थी, हंसती थी मुस्काती थी पता नहीं क्यों मुझे लगता था बार बार पास भी बुलाती थी, जब पास जाके देखा तो गुटका चला। तो हम बोले तुमसे होने वाला कुछ भी नहीं है, तुम लोग हो ही ऐसे, थोड़ा हाई फाई बनो तब जाके काम बनेगा। तो बोलता है अब हम लोग हाई फाई बन गए हैं, अब हम लोग खुद को भी हाई फाई समझते हैं। फिर उसने क्या कहा उसको बताती हूँ, उसने कहा कि पहले हम लोग घर में खाते थे पीते थे बाहर निकालते, पहले हम लोग घर में खाते थे पीते थे बाहर निकालते थे, अब जो है बाहर से खा पी के आते हैं घर में निकालते हैं, अब भी अब हम भी हाई फाई ही बन गए। फिर कहता है तुम्हें क्या लगता है, पहले जो है कोई भी त्योहार होता था शादी ब्याह होता था तो घर में औरतें मिलजुल कर खाना पकाती थी, नाचने वाली बाहर से बुलाते थे। पहले घर में मिलजुल कर सब खाना पकाती थी और नाचने वाली बाहर से बुलाते थे, और अब खाना बनाने वाली बाहर से बुलाते हैं और घर की सभी औरतें नाच रही है, नाचती थी। फिर बोला, फिर कहता है कि तुम कैसे कह सकती हो कि हम हाई फाई नहीं है, पहले हमारे घर में औरतें घूंघट में बुरका में रहा करती थी, पहले हमारे घर में औरतें घूंघट में बुरका में रहा करती थी, अब हम उनको चांदनी चौक पर बैठवा के प्रदर्शन करवाते हैं, अब हम उनको रोड पर बिठा करके उनसे हड़ताल करवाते हैं, तुम क्या समझ रहे हो कि हम हाई फाई नहीं हो गए हैं, अब हमारा गांव जो है वो शहर बन गया है, अब हमारे गांव में भी हत्या बलात्कार गैंगरेप की आने लगी है खबर, अब हमारे गांव में भी हत्या बलात्कार गैंगरेप ये सब की आने लगी है खबर, अब हमारा गांव बन गया है सर, अब हमारा गांव बन गया।